चलिए, क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान का क्षेत्रफल। आपको हेडिंग लगानी है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखो, खाली क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं करेंगे अपन, सारे संपूर्ण जो आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों के बारे में यहां से हम पढ़ेंगे। तो सभी ध्यान इधर रखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। पहली बात, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए, क्या क्षेत्रफल है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है साहब? अच्छा बताओ, अगर इसको वर्ग मील में देखा जाए तो वर्ग मील में क्या है? वर्ग मील में आता है 1/32, 1/40। 1/32, 1/40 वर्ग मील है। क्या है वर्ग मील में? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 1/32, 1/40। अच्छा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। अच्छा ये बताओ मुझे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखना है 10.41 है। कितना है क्षेत्रफल का? 10.41% है। कितना हो गया? 10.41% है। अच्छा ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्या है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य ऊपर लिखा हुआ है ना, राजस्थान। तो ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान क्या है भारत का क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा राज्य। 2000 में सबसे बड़ा राज्य बना था। कब बना था? 2000 में। 2000 से पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि 2000 के अंदर क्या हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया था, अलग होने के बाद हमारा भारत पहले नंबर पर आ गया है, राजस्थान पहले नंबर पर, बाकी दूसरे नंबर पर था राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला प्रश्न तो है। तो यहां पर प्रश्न आपसे पूछेगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। लिख देता हूं भाई यहां पर, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैंने ऊपर लिखा और यहां पर लिखता हूं सबसे बड़ा जिला। क्या लिखेंगे अपन? सबसे बड़ा जिला। तो बताएं मुझे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ, सबसे जो बड़ा जिला है उस बड़ा जिले का नाम हो जाएगा आपका जैसलमेर है। कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल आता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल है? जैसलमेर का। अगर छोटा जिला पूछे तो कौन सा है? देखो छोटा जो जिला है, इस छोटे जिले का नाम है दुदू। क्या नाम है? दुदू है। एक्चुअल में दुदू का क्षेत्रफल कितना है अभी मुझे भी नहीं पता है ना, दुदू का क्षेत्रफल कितना है मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको नहीं लिखवाने वाला हूँ। जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि अभी जो नए जिले उसके ऊपर लटकी हुई तलवार, कभी भी आदेश आ जाएगा नए जिलों को हम है ना नहीं मानेंगे, तो न मानना तो बड़बड़ बेकार है जावा, क्योंकि अभी भी वो गठन की हुई समिति है और जो पुराने जो जिला कलेक्टर लगे हुए थे, जो नए कलेक्टर लगाए गए थे नए जिलों में, अभी भजनलाल सरकार ने कह दिया कि जो पुराने जो कलेक्टर हैं वही नए जिलों का कारोबार देखेंगे, तो अंदरूनी बातें कुछ चल रही है। अब क्या करें, अभी एक बार में भी आया था कि बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में, पहले कहा गया कि अब आपको 19 जिले पढ़ने पड़ेंगे, फिर कहा कि दो जिलों का पुनर्दान किया तो 17 पढ़ने पड़ेंगे, फिर अभी कह रहे हैं कि 17 जिले समाप्त हो सकते हैं, और कोई की कह रहे हो कोई की कह रहे हो, तो ध्यान अपन है न देना, तो अट्टा को आल क्षेत्रफल ध्यान कौन है। अच्छा दुदू से पूर्व एक जिला था छोटा, उसका नाम है धौलपुर है। कौन है? धौलपुर। और इसका क्षेत्रफल कितना था?
कितना था 32-34, क्षेत्रफल कितना था इसका 32-34 या 30-34 था, 30-34 ठीक है, किलो वर्ग किलोमीटर कितना है 30-34 वर्ग किलोमीटर आपके धौलपुर का था, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला हुआ करता था, कौन धौलपुर हुआ करता था। अच्छा यहां से फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या। देखो जनसंख्या में भी आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो मैं यहाँ जनसंख्या लिखी है और यहां लिख देता हूं सबसे बड़ा जिला, क्या लिखेंगे अपन, सबसे बड़ा जिला बताओ मुझे कौन सा है, बड़ा जिला है उसका नाम है जयपुर, कौन है जयपुर है। अच्छा बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या में, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर में, कहां पर है जैसलमेर के अंदर है, यानी कम जनसंख्या जैसलमेर में और सबसे बड़ी जनसंख्या कहां पर है जयपुर के अंदर है, यहां तक कंप्लीट है। अच्छा यहां से एक प्रश्न और भी आता है आपसे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल पढ़ रहे ना अपन, तो यहां पर बात करते हैं संभाग की, किसकी बात करेंगे संभाग, तो संभाग में आपको याद रखना है सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग किसमें है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, किसमें है क्षेत्रफल में, यहां पर मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल क्या जाएगा, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा बताओ मुझे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है संभाग उसका नाम है जोधपुर, कौन हो जाएगा जोधपुर है। अच्छा यहां पर हम बात करें क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में जो छोटा संभाग है क्या है, छोटा संभाग वो संभाग कौन सा हो जाएगा, छोटा संभाग है वो है बांसवाड़ा है, न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी कौन सा है बांसवाड़ा है, कौन सा है बांसवाड़ा है। अच्छा यहां पर जनसंख्या में भी पूछा जाए कि बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या में, संभाग है ना, संभाग याद रखना यहां पर आता है बड़ा संभाग, जनसंख्या में बड़ा कौन सा है और जनसंख्या में संभाग में छोटा कौन सा है, संभाग में छोटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, जनसंख्या में बड़ा संभाग और जनसंख्या में छोटा संभाग, तो जनसंख्या में बड़ा संभाग हो जाएगा वो है आपका जयपुर संभाग, कौन सा है जयपुर संभाग, जनसंख्या में क्या है बड़ा है, तो जनसंख्या में छोटा कौन सा है बांसवाड़ा है, कौन सा हो जाएगा बांसवाड़ा, जो संभाग है वो जनसंख्या में क्या है आपका छोटा है, क्या है छोटा है, यहां तक क्लियर है क्या। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं और वह बात आती है आपकी यहां पर, यह बताना है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों के बराबर है, निम्न देशों के क्या है, देशों के बराबर है, बराबर है, कौन से देशों के बराबर है अभी मैं बताने वाला हूं, राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है, तो जर्मनी जापान नॉर्थ इन सब की क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, वियतनाम, देखो यहां पर जिले देश आ जाते, एक का नाम है जर्मनी और जापान, कौन है जर्मनी व जापान के क्षेत्रफल के बराबर है, जर्मनी और कौन है जापान, आपसे दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है, तो कौन है जर्मनी और जापान है, अगर और आ जाए तो तीसरा है नॉर्वे, कौन है नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे कौन हो जाएगा आपका नॉर्वे। अच्छा यहां पर चौथे नंबर पर एक और आता है उसका नाम है वियतनाम, क्या है वियतनाम, ये तो क्षेत्रफल में सबसे बराबर क्षेत्रफल है राजस्थान का और इन देशों का। अच्छा यहां पर यह भी आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों से बड़ा ज्यादा है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों से बड़ा है, क्षेत्रफल निम्न देशों से क्या है, निम्न देशों से बड़ा है, निम्न देशों से क्या है बड़ा है। अब किन किन देशों से बड़ा है, तो सबसे पहले बड़ा आ जाता है आपका वो आता है इसराइल से, कहां से आता है कितना आता है इसराइल से, चेकोस्लोवाकिया कौन सा आता है, चलो मैं यहां लिख देता हूं आपका ब्रिटेन, क्या लिखता हूं
ब्रिटेन, ब्रिटेन से कितना गुणा है, ब्रिटेन के बाद आपका इसमें आता है इंग्लैंड, कौन आता है इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आता है आपका वो आता है श्रीलंका, कौन आता है श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद आता है वो आता है आपका चेकोस्लोवाकिया, कौन सा आता है कौन सा है चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया के बाद और भी देखेंगे। अच्छा ब्रिटेन से कितना गुणा बड़ा है, मैंने आपको पूर्व में लिखवाए थे न लिखवाया, नेम नहीं लिखाया वो तो वह न सके है? चलो यहां पर इजराइल से 17 गुणा है, कितना गुणा है इजराइल, कौन सा हो जाएगा यहां पर इजराइल, इजराइल से है 17 गुणा, कितना गुणा बड़ा है 17 गुणा, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुणा बड़ा है, कितना गुणा है 3 गुणा बड़ा है, श्रीलंका से देखें तो श्रीलंका से 5 गुणा बड़ा है, कितना है 5 गुणा, इंग्लैंड से कितना गुणा है तो 2 गुणा बड़ा है, कितना गुणा है 2 गुणा, और ब्रिटेन से कितना है तो 1.5 गुणा है क्या 2.5 गुणा है 1/2 2.5 गुणा हो जाएगा, कितना है 2.5 गुणा बड़ा ब्रिटेन से। तो राजस्थान देखो ब्रिटेन से 2.5 गुणा है, इंग्लैंड से 2 गुणा है, श्रीलंका से 5 गुणा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुणा बड़ा है, और इजराइल से कितना गुणा है 17 गुणा बड़ा है, और पाकिस्तान से कितना गुणा बड़ा है, पाकिस्तान से बदल लिखवाया था नहीं लिखवाया पहले न लिखवाया, पाकिस्तान से भी हमारा जो पाकिस्तान से छोटा है, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है ना एक्चुअली में हम देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल काफी विस्तृत क्षेत्रफल है, देख लो अत्रा देश जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल ही है छोटा छोटा। तो भाई साहब हमारा एग्जाम में एक तो आता है इजराइल, चेकोस्लोवाकिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, और भी कुछ देश है जिनके क्षेत्रफल हमारे राजस्थान से क्या है छोटे। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा एक मैटर ये भी आता है कि हम बात करते हैं यहां पर कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर कितना है, ये भी प्रश्न मैंने लिखवाए थे आपको, जैसे 8.9 गुणा है बड़ा है, जैसे मैंने कहा 112.2 गुणा बड़ा है, जैसे मैंने कहा 11.22 गुणा बड़ा है, वो भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो पहली चीज आपकी इसमें याद रखनी है धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा है, धौलपुर जो है वो जैसलमेर का कितना हिस्सा है, तो यहां पर याद रखना है, देखो लिख देता हूं मैं, कौन सा जिला है धौलपुर जैसलमेर का, किसका है धौलपुर जैसलमेर का 7.9% क्या है हिस्सा है, इस चीज को आप समझना मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कितना हिस्सा है तो याद रखना है धौलपुर जैसलमेर का कितना हिस्सा है 7.9% क्या है हिस्सा है राजस्थान जैसलमेर से, राजस्थान क्या है जैसलमेर से, राजस्थान जैसलमेर से किससे है राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है, कितना है 8.9 गुना क्या है बड़ा है, कौन बड़ा है राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना क्या है बड़ा है। इसके बाद आता है राजस्थान धौलपुर से, किससे आता है राजस्थान धौलपुर से, याद रखना है राजस्थान जो है वो धौलपुर से, राजस्थान धौलपुर से 112 गुना बड़ा है, कितना है 112.2 गुना क्या है गुना बड़ा है, कौन बड़ा है राजस्थान धौलपुर से बड़ा है, किससे बड़ा है राजस्थान धौलपुर से बड़ा है। इसके बाद आता है जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये प्रतिशत है आपके आता है 11.22% है, कितना है 11.22% हिस्सा है, कितना हो जाएगा 11.22%। प्रश्न पूछा जाएगा जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो वो है 11.22%, कितना हो गया 11.22% है। इसके बाद आता है धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का, धौलपुर जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है राजस्थान के क्षेत्रफल का, यह आता है आपके 0.89%, कितना है 0.89%, इसको कहते हैं लगभग 1%, क्या कहते हैं लगभग 1% कहते हैं, कितना कहते हैं अपन
लगभग 1% कहते हैं। तो ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि आपको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, एक खतरनाक आंकड़ा है। तो ये आंकड़े हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो एक बार पुनः अपन रिवीजन करेंगे। क्या पढ़ रहे थे अपन? अच्छा बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मील में कितना है? 132,140। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? जनसंख्या में यूपी, याद रखना, सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा बताओ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा राजस्थान का? जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, छोटा जिला राजस्थान का कौन सा है? अच्छा, पहले कौन था? धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या में छोटा संभाग कौन सा है? अच्छा, संभाग की बात करें कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कौन सा है? बांसवाड़ा है। अच्छा, यहाँ पर बताना है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों के बराबर है। किसके बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों से बड़ा है, तो ब्रिटेन से कितना है? अच्छा, चेकोस्लोवाकिया से कितना है? इंग्लैंड से कितना है? इजराइल से कितना है? श्रीलंका से कितना है? 5 गुना है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और देखा यहाँ पर कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? अच्छा, राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है? अच्छा, राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? अच्छा, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अच्छा, धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अच्छा, ये भी आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के है, राजस्थान का जो जल है वो भारत के जल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर रखना, राजस्थान का जो जल है क्या है? राजस्थान का जल भारत के जल का, भारत के जल का कितना प्रतिशत है? जल का, याद रखना, 1% हिस्सा है। कितना है? 1%। यानी राजस्थान में इतना जल है, भारत में जितना जल है उसका 1% जो है वो राजस्थान में जल है, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क मरुस्थल प्रदेश माना जाता है। तो यहां तक क्लियर है? कंप्लीट? ठीक साहब, बंद कर देते हैं इसको।